हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज रिव्यू करने वाला हूं बजाज एवेंजर 160 का। लेकिन उससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस चैनल का सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, फाइनली मैं बात करने वाला हूँ एवेंजर 160 स्ट्रीक, जो कि आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं 160 स्ट्रीक आ चुका है BS6 में हमारे पास। आपको दिखाना चाहूँगा दूर से एक बार कि क्या क्या है और क्या क्या नया फीचर और कैसा कलर, कैसा ग्राफिक है इसमें। आप देख सकते हैं पीछे से कि ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, BS4 के जैसा पीछे से दिख रहा है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा पहले यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं, जो कि फ्यूल इंजेक्टर हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना सेंसर लगा है फ्यूल इंजेक्टर में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले पेट्रोल कॉक था, आप देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल कॉक नहीं दे, जो कि अब ऑटोमेटिक सिस्टम आया है इसमें। देख सकते हैं ऊपर जो BS4 में था, वो आपको मैं एक बार दूर से दिखाना चाहूँगा। देख लीजिए, जो कि ब्लैक और ग्रे कलर दिया है। आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, इधर से भी देख सकते हैं आप कि इसमें सेंसर लगा है कितना। देख सकते हैं पाइप सेंसर फ्यूल इंजेक्टर में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ECU बढ़ाया है, जो कि BS4 में नहीं था, लेकिन BS6 में यहाँ पे लगाया है। देख सकते हैं कितना कमाल का फ्यूचर है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा साइलेंसर की तरफ, पहले लेके चलता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर BS6 में साइलेंसर में देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर बढ़ाया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देख सकते हैं यहाँ पे सेंसर है, देख सकते हैं यही सेंसर है, जो कि काफ़ी अच्छा दिखाना चाहूँगा मैं आपको पहले इंजन BS6 का। आप देख सकते हैं BS6 का इंजन, मैं आपको पहले चारों तरफ से BS6 का इंजन दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं, आपको मैं उस बगल से दिखाऊँगा पहले। आप देख सकते हैं पहले उसके आगे का हेडलाइट इंडिकेटर, जो कि कोई चेंज नहीं है। और दिखा सकता हूँ मैं एक बार इधर से इंजन आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कि फिर ठीक है। फाइनली मैं ऊपर से दिखाना चाहूँगा एक बार कि मीटर में कोई चेंजेस है क्या। देखते हैं आप मिरर, और मीटर में कोई चेंजेस नहीं है। देख सकते हैं BS4 वाला ही मीटर BS6 में लगाया है। आपको दिखाना चाहूँगा आगे का डिस्क दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप, जो कि ABS के साथ आता है, जो कि पहले BS4 में भी था और BS6 में भी है। काफ़ी अच्छा दिखने में लग रहा है। ठीक है, अब पीछे वाला दिखाना चाहेंगे मैं। देख सकते हैं आप पीछे जा रहा मैं, ये देख सकते हैं पीछे भी ड्रम ब्रेक मिलता है आपको ABS के साथ। देख सकते हैं पीछे भी ABS है और आगे भी है। देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है 160 में। शॉकर में कोई चेंजेस नहीं, देख सकते हैं कि वही BS4 वाला शॉकर है। और आगे दिखाना चाहूँगा, जो कि काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है BS6 का। इंडिकेटर में देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं है। और एक बार मैं ऊपर से दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं आप ऊपर का टाकी और सीट में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, वही BS4 वाला है। और दिखाना चाहूँगा मैं आप आगे से एक बार इस बगल से, देख लीजिए ये पूरा लुक है, जो कि ब्लैक कलर और ग्रे कलर में है। उससे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार बाहर का सीन, जो कि मैं पुणे सिटी में हूँ दिखाना चाहूँगा। मैं आपको दिखा दूँ कि सिटी में हूँ मैं, पुणे सिटी में। आपको इधर से और उधर से दिखा सकता हूँ मैं एक बार, तो काफ़ी दूर से आया रिव्यू कर रहा हूँ मैं आपको। मैं दिखा दूँ एक बार दूर से, देख सकते हैं आप कि पुणे सिटी में हूँ मैं। यही हमारा शोरूम है, आप देख सकते हैं गाड़ी सब लगा है यहाँ पर, यही सब शोरूम है। BS6 का इंजन का आवाज़ कैसा है? देख सकते हैं आप चाबी यहाँ पे लगता है BS6 का, जो कि हर गाड़ी में है। मैं दिखा सकता हूँ एक बार, देख सकते हैं यहाँ पर हाई बीम लो बीम, आप पासिंग का है, आप देख सकते हैं फ्रंट इंडिकेटर, देख सकते हैं आप आगे का इंडिकेटर, आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला जलाया मैंने। ठीक है, एक बार गाड़ी चालू करके देखता मैं, गाड़ी का आवाज़ कैसा है।
ठीक है, फाइनली मैं बंद करके दिखाया था एक बार। आगे का हेडलाइट देख सकते हैं आप कि पासिंग का मैं बढ़ता, देखते हैं कितना प्रकाश इसमें है, ज़्यादा ही। बजाज में एक हेडलाइट का रोशनी बहुत ज़्यादा रहता है, आप देख सकते हैं। इंडिकेटर मैंने लगा रहे हैं एक बार, देख सकते हैं। मैं इधर से लगाता हूँ, देख सकते हैं आप, ज़्यादा इसमें फ्यूचर नहीं दिया, जितना भी है BS6 का और BS4 का, BS6 में लगाया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी मेरा दोस्त सब बुला रहे हैं वहाँ पे, हाँ तो हम, ठीक है, अच्छा जाता, बाय बाय।